और देखिए मिला कहाँ है, आबादी के क्षेत्र के पास जहाँ भैया टहल रहे हैं। लोगों का कहना है कि जंगल और जंगल के रास्ते दिन में बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जंगल जितना दिन में खूबसूरत है उतना ही रात में भी। तो दोस्तों, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो जब भी समय मिलता है तो मैं निकल पड़ता हूँ अपने कैमरे के साथ वीडियो बनाने जंगल के रास्तों पर, जंगल की खूबसूरती के बीच। और जब भी कोई वाइल्ड लाइफ रास्ते में मिलती है तो उसे मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। So let's go for Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी नाइट ड्राइव ब्लॉग में। इस वीडियो में हम जा रहे हैं बेलप्राव रेंज से देचौरी रेंज तक और बीच में पड़ेगा पावलगढ़ का जंगल। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये रोज़ यही जंगल क्यों दिखा रहे हैं। देखिए, दिखाने का रीज़न भी यही है कि एक सोच है वो मैं बदलना चाहता हूँ। इसी वजह से एक बार 7 days का चैलेंज भी मैंने लिया था कि 7 दिन में आपको मैं क्या वाइल्ड लाइफ दिखा सकता हूँ। देखिए, वाइल्ड लाइफ को मैं पकड़ के तो नहीं ला सकता जंगल के अंदर से, जो रोड पर दिखेगी वो दिखेगी, अदरवाइज आप जंगल को देखेंगे। और रात में जंगल में ड्राइव कैसे होती है और कैसा लगता है वो फील करेंगे। बाकी टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट एक्सेट्रा एनिमल जो है वो अभी फ़िलहाल है जंगल के अंदर, मिलेगा रोड पर तो आप देखेंगे। तो ये मैंने डाउट पहले ही क्लियर कर दिया है और अब भी वही कर रहा हूँ मैं। मेरा कहना ये है कि बस हमें आप रोज़ देखें तब आप जान पाएंगे कि हाँ, सच में टाइगर देखना बहुत मुश्किल का काम है, वो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल में। और पिछली वीडियो में मैंने एक सवाल कहा था कि मॉनसून में जिप्सी की सफारी कुछ जोन में क्यों बंद हो जाती है। देखिए, रीज़न ये है कि एक तो जंगलों में प्रॉपर ऐसा रोड नहीं होता जिसमें डामर हो, ठीक, वो होती है ऑफ रोड, इसमें होती है मिट्टी, तो बारिश होने पर वो पूरी रोड ख़राब हो जाती है, उसमें गाड़ी फंसने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि 4x4 भी, ठीक। और दूसरा रीज़न ये है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबको पता है कि रामगंगा रिवर बहती है, जो कि आपको मिलेगी एक तो आपका दुर्गा देवी गेट जो जोन है, दुर्गा देवी वहाँ उसमें मिलेगी रामगंगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा जोन है ढिकाला जोन जो धनगढ़ी गेट है। तो जो बाकी जोन है वहाँ पर भी जो जंगलों का पानी आता है वो, और जो मलबा, जो पत्थर, बहुत सारे रीज़न है जिस वजह से सफारी नहीं हो पाती है। तो काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो जो मलबा आता है वो इस तरीके का होता है, कुछ आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप कितना ढेर लगा हुआ है, ये सब जंगल के अंदर की मिट्टी है। ये देखिए, जब ये मेन रोड मतलब हाईवे पर आ सकता है तो वो तो खैर जंगल है और वहाँ चिकनी मिट्टी होती है जिसमें गाड़ी फंस जाती है और दिक्कतों का सामना कर सक
करना पड़ता है, और टूरिस्ट को ऐसी परेशानी ना हो इस वजह से जोन कुछ बंद कर दिए जाते हैं, जैसा कि ढिकाला, दुर्गा देवी, और कुछ खुले रहते हैं जैसे हमारे झिरना जोन, ढेला जोन और फाटो जोन। लेकिन अभी आपने देखा होगा हाल ही में फाटो जोन भी बंद हो गया, मतलब ये जोन भी बंद हो गया, वो जोन भी बंद हो गया। क्यों? भारी मात्रा में, मतलब हैवी रेनफॉल होने के कारण जंगल पूरा मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है, वो वहाँ की अंदर की लाइफ जो है पूरी तितर बितर हो जाती है। बस यही रीज़न है कुछ। तो आप सोच सकते हैं जहाँ सफारी नहीं हो रही है, वो हम आपको वो भी नाइट में, तो जब सफारियाँ नहीं हो पा रही हैं तो इंसान मतलब जो टूरिस्ट हैं वो क्या घूम पाएंगे? बारिश का रुकने का ही वेट करेगा ना। वैसे आप लोग सोचें कि आपको नाइट में हम लोग 4 दिन छोड़ के नहीं, 5 दिन छोड़ के नहीं, या एक हफ्ते वाला ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम रोज़ आ रहे हैं। तो देखिए एक एग्ज़ाम्पल है, अगर कोई व्यापारी है कोई या दुकानदार है, अगर वो अपनी दुकान रोज़ खोलता है तो ज़रूरी तो नहीं है कि हाँ रोज़ 1000 रुपये कमाएगा। ये सीधा सा फैक्ट है, कभी कभी किसी ना किसी दिन खाली हाथ तो घर जाएगा। तो वही चीज़ है, दुकान रोज़ खोलनी है तो वो पैसे कभी कमाएगा कभी नहीं। तो वैसे हमारा हिसाब है कि हम रोज़ जंगल आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई नाइट ड्राइव इस मानसून के टाइम पर डेली आपको दिखाता होगा। तो आप प्रॉपर हमारे व्लॉग देखें, देखिए मेहनत करेंगे तभी तो कुछ ना कुछ फल मिलेगा। ये थोड़ी एक बार मान लीजिए टाइगर मिल भी गया मुझे, तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी आप उसी नज़र से देखेंगे जैसे आप हमें रोज़ देखते थे। तो वैसे ही आप साथ बने रहें और अपना थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखें और हम भी पेशेंस रखे हुए हैं कि कोई ना कोई कभी ना कभी साइटिंग होगी। देखिए तेंदुआ मिला ना, तेंदुआ मिला, लेकिन वो कार थी, लेकिन कार नहीं है हमारे पास। कार होती तो मैं और बिल्कुल कोर एरिया में जाकर आपको मैं दिखा सकता था, लेकिन जंगल सब जगह है, और जो जंगल है और जंगल के जानवरों पे किसी की पाबंदी नहीं है, सब अपनी खुद की टेरिटरी खुद बनाना जानते हैं, ये सबको बेहतर पता है, चाहे वो टाइगर हो या डियर हो, चाहे एलिफेंट हो या बियर हो। तो बस यही फैक्ट है, थोड़ा सा दिमाग में सोच बदलेंगे तो आप जंगल को इंजॉय कर पाएंगे। अगर अदरवाइज सिर्फ टाइगर की सोच रख के बैठेंगे दिमाग पर कि हाँ टाइगर दिख जाए बाकी तो सब बेकार है, तो वो चीज़ तो थोड़ी सी चेंज लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम तो रोज़ आपको जंगल ही दिखाएंगे, वाइल्ड लाइफ मिलेगी तो बढ़िया है, आप लोग खुश हम भी खुश, आप लोगों की खुशी में हमारी खुशी है, बस इतना कहना चाहता हूँ। और बात करते हैं, जैसे कि अभी हम घूम रहे हैं जंगल में, यह है पावलगढ़ का जंगल, और वही बात रास्ते में पड़ता है एक पावलगढ़ नाम का एक छोटा सा कस्बा या गांव कह लें। ऐसे ही वो रेंज चेंज हो जाती है, कौन सी, जो मोहान वाली रोड पर है रास्ते में पड़ता है सुंदरखाल गांव, वो इसलिए ज़्यादा चर्चा में रहता है। सुंदरखाल गांव जो है वहां पर होते हैं, वहां पर काफ़ी मैनिटर केसेस हो जाते हैं। रीज़न यही है कि एक तो देखिए सुंदरखाल गांव जहां है वो है एनिमल्स का कॉरिडोर। रीज़न आपने देखा होगा एक हाईवे पे उसका फ्रंट आ जाता है, बैक साइड आप जाएंगे तो कोसी रिवर है, तो पानी पीने के लिए जानवर जाएगा। तो जो उसका रास्ता, देखिए इंसान तो बाद में बसा होगा ना, बहुत जानवर तो बहुत टाइम से पहले से ही होंगे, जंगल पहले से था, तो कितने भी सालों पुराने लोग रह रहे होंगे वहाँ पे, लेकिन रास्ता वहाँ होगा कॉरिडोर जैसे बोलते हैं, तो वो उसी रास्ते से जाना
है तो उसे जाना ही है, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो टाइगर हो। तो इसी वजह से थोड़ा सा केसेस होने के चांसेस रहते हैं कॉरिडोर्स की वजह से। वो एक प्रकार से गांव भी है और कॉरिडोर भी कह सकते हैं उसे हम। तो ऐसे ही ये पावलगढ़ है, यहाँ पर एलिफेंट या कोई भी एनिमल है, वाइल्ड एनिमल, उसका कॉरिडोर नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा उसकी साइटिंग उस साइड नहीं होती है। कॉरिडोर आपको हमने दिखा रखे हैं, पीछे रह गए हैं वो एलिफेंट के कॉरिडोर्स। तो ज़रूरी नहीं कि एलिफेंट के हों, वहाँ पर डियर्स से लेके अलग अलग जानवर क्रॉस करता होगा। बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं, समझनी है, दिमाग लगाना है और जंगल को इन्जॉय करें, वीडियोस को इन्जॉय करें, क्योंकि ये सब आपको रोज़ देखने को नहीं मिलने वाला और ना ही कोई दिखाने वाला आपको। अगर है तो उसका नाम भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई YouTube चैनल जो भी आपको दिखा रहा होगा। देखिए ये बात थी सुंदरखाल की, जो मैंने आपको बताया रीज़न थोड़ा सा, वहाँ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है इतना, रीज़न है एक प्रकार से कॉरिडोर, क्योंकि वहाँ के काफ़ी लोगों से भी हम मिल चुके थे पहले ही, बहुत पहले मिले हैं, और उन्होंने बताया भी हमें कि यहाँ से हाथी चला जाता है, यहाँ से टाइगर चला जाता है और यहाँ से लेपर्ड चला जाता है। तो सुंदरखाल एरिया जो हो गया बिल्कुल एक प्रकार से मान के चलिए एनिमल्स का कॉरिडोर है, गांव तो है ही, इसलिए वहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सबको पता होगा कि पीलीभीत में भी है टाइगर रिजर्व। तो वहाँ पर एक रेंज पड़ती है सुरई, सुरई रेंज में, सुरई रेंज के मतलब आसपास जो है वहाँ भी गांव है। तो कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ दिन क्या मतलब, मेरे ख्याल से ऐसी संडे या सैटरडे की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है। तो वहाँ पर भी एक टाइगर अटैक सुनने में आया है और जो पर्सन था उसकी डेथ भी हो चुकी। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं उस बात पे कि हुआ क्या था, जितना न्यूज़ के बेस पर बता रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो जो सुरई क्षेत्र है वहाँ उसके पास जो गांव है, तो जो गांव के लोग होते हैं वो लकड़ी बीनने के लिए जंगल में जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ था कि दिन के 12 बजे एक महिला और एक उनके पति और 2 लोग गए थे जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए। तो दोपहर के समय जब ये लकड़ियां बीन रहे थे तो जो लेडीज़ थी उनके हस्बैंड पर, लगभग उम्र मान के चलिए 50 से ऊपर ही है करीबन, तो थोड़े ठीक ठाक उम्र के थे, उन पर बाघ ने हमला कर दिया। और हमला क्या किया, उनके बीच में से ही खींच के ले गया बाघ। जी हाँ, और जब बाघ खींच के ले गया तो जो उनकी वाइफ थी वो दौड़ कर गई, गांव वालों को शोर करते हुए बताया कि ऐसा ऐसा हो गया और बाघ उठा के ले गया उनके पति को। तो सब ने एक्टिविटी दिखाई, वन विभाग को बुलाया गया, तो फॉरेस्ट वाले आए वहाँ पर। और जब सर्च किया गया तो 2 घंटे तक उन्होंने सर्च करा और 200 मीटर की दूरी, मतलब जंगल के 200 मीटर अंदर जाने के बाद उनका शव मिला, वो भी टाइगर के जबड़े में था। तो टाइगर भी वहीं मौजूद था और शव भी। तो वो अपने जबड़े में पकड़ा हुआ था, तो फॉरेस्ट वालों ने लगभग 25 राउंड फायरिंग की, वो भी हवा में जैसे करते हैं, तब जाके उस टाइगर ने उस शव को छोड़ा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। तो यही चीज़ है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मेरे हिसाब से और भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितनी आबादी बढ़ती जाएगी जंगल के आसपास उतना ज़्यादा खतरा भी बढ़ता जाएगा इंसानों के ऊपर। देखिए जानवर अपनी जगह पर है, जानवर नहीं आया, मतलब जो टाइगर है वो आबादी के पास नहीं आया ना। आप उस जंगल के अंदर गए, उसके घर के अंदर गए, तो जाहिर सी बात है
और एनिमल्स जो मतलब जो टाइगर होता है वो ऐसे ही हमला नहीं करता इंसान पर, उसकी भी कुछ मजबूरी हो जाती है। देखिए एज होती है, एज भी मायने रखती है। अगर शेर बूढ़ा हो जाता है तब, या उसके नाखून टूट जाते हैं, या उसके दांत जो होते हैं जो पालने वाले दांत होते हैं उनमें कुछ ख़राबी आएगा या टूट गया, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिससे वो शिकार करने के एबल नहीं हो पाता है ना ही। देखिए बुढ़ापे की वजह से थोड़ा सा वो ज़्यादा एनर्जी पूर्वक नहीं दौड़ सकता, या अपने पंजों से शिकार मतलब शिकार को ऐसे पकड़ नहीं सकता, नाखून टूट जाएंगे तो, या दांत से उसे पकड़ने में उसके गले को पकड़ने में दिक्कत होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा मायने रखती हैं। और इंसान जंगल के अंदर जाएगा तो वो जंगल तो जानवरों का घर है और शेर का घर है, वो तो हमला शायद ही करेगा। और अदरवाइज़ ऐसे किस्से काफ़ी बार सुनने को आते रहते हैं, सुंदरखाल में भी काफ़ी सुनने को मिले पिछले साल, और काफ़ी लोगों ने उस पर वीडियोज़ भी बनाई। तो ये चीज़ है। खैर मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ और जगह या और पहाड़ों पर भी बहुत हमले होते हैं, होते आ रहे हैं, टाइगर के ही नहीं तेंदुओं के, तो ख़तरा सब जगह है। ये तो समझदारी इंसान, ये समझदारी तो इंसान के अंदर है कि उसे क्या करना है। चूहा निकल गया, हाँ छोटा सा चूहा निकल के गया था एक वाइल्ड लाइफ। इन चीज़ों पे सबको विचार करना चाहिए और जंगल जाएं। देखिए मजबूरी है गांव वालों की भी, कुछ ईंधन जाना मतलब ईंधन के रूप में ही लकड़ी को यूज़ करते हैं वो, या और किसी काम में यूज़ करते होंगे। और कुछ प्रॉपर गांव जो होते हैं, कस्बे होते हैं, पहले से ही हैं तो वो हटे नहीं वहाँ से। तो बहुत सारी बातें हैं, इन पर कभी और चर्चा करेंगे और कुछ विषय निकल के आएगा। तो फ़िलहाल ये वीडियो कैसी लगी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ मेरी बात गलत लगी हो तो कमेंट करिएगा और उसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा मैं। और कुछ मेरी बातें अगर गलत लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। तो दोस्तों फाइनली मिल गया है क्रेत, है क्रेत, है क्रेत है। वाह अच्छा खासा बड़ा सांप मिला, घर वापसी आते थे बहुत जहरीला सांप है, आया अचानक से आ गया एकदम सामने ना। तो दोस्तों फाइनली क्रेत है, और देखिए मिला कहाँ है, आबादी के क्षेत्र के पास जहाँ भैया टहल रहे हैं। देखिए और कैसे टहल रहे हैं चप्पलों में, कितनी बड़ी गलती है। यही सांप रात के टाइम निकलता है और साइलेंट किलर होता है और नुकसान पहुँचा सकता है। देखिए ये सांप जो है बिल्कुल अंधेरे में निकलता है और इसको साइलेंट किलर कहते हैं, ये भारत का सबसे जहरीला सांप है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ हर वीडियो में बताते हैं, देखिए अलग अलग लोगों पर अलग अलग वीडियो जाती हैं, इस वजह से मैं बताता हूँ। और ये जो है बिस्तर में छिप के काटने वाला सांप है, बिस्तर में छिपना पसंद करता है और इसके काटने पर आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए इसका नाम साइलेंट किलर रखा गया है। और कुछ ही मिनट के अंदर इंसान या जिसके भी काटेगा उसकी डेथ हो जाती है। इस सांप की एक कहावत है कि इस सांप का काटा पानी नहीं मांगता। बिल्कुल, और इस सांप के लिए एक कहावत है कि इस सांप का काटा पानी नहीं मांगता, और चुपचाप उसकी मौत हो जाती है और पता भी नहीं चलता। अगर हाँ सही टाइम पर उसको एंटीडोट मिल गया तब। तो ये थी वाइल्ड लाइफ की साइटिंग कुछ ही सेकंड की। तो आप मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का जवाब मिल गया होगा कि साइटिंग मिलना मतलब तो जानवर मिलना आसान नहीं। और देखिए आबादी क्षेत्र में मिला था और जहाँ एक शख्स
चप्पल में टहल रहा था, तो वो उसको नुकसान भी पहुंचा सकता था, उसे पता भी नहीं चलता। तो ये कैसी लगी साइटिंग और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो चली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नाइट ड्राइव में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।